পরে নির্বাচন এবং যেভাবে ভারতীয় জনতা পার্টি প্রায় 9টা সিটে যেভাবে এগিয়ে গেছে এটাতে ভীত সন্ত্রস্ত হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। তাদের আর নিজের লিডারদের উপর ভরসা নেই, হিরো হিরোইন তাদেরকে নিয়ে তারা প্রচার করছে, এটা করতেই পারে তাদের। এই যে পরিকল্পনা, এই পরিকল্পনাই প্রমাণ করে তারা অলরেডি পরাজয় স্বীকার করে নিয়েছে পশ্চিম বর্ধমানে। যারা এক মাস আগে অব্দি বড় বড় কথা বলছিলেন যে বিজেপিকে খুঁজে পাওয়া যাবে না, আজ তারা এটা মেনে নিয়েছেন যে ভারতীয় জনতা পার্টি 9-0 করতে চলেছে এই জেলায় এবং তাদের কাজ খুঁজে পাওয়া যাবে না, তাদের কাজ খুঁজে পাওয়া যাবে না, এটা বুঝেছেন তারা। তাই শেষ চেষ্টা হিসাবে এই ধরনের একটা পরিকল্পনা করেছেন, কিন্তু জানেন যে যখন সময় খারাপ চলে তখন কোনো কিছুই কাজে দেয় না। विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस जीत रहा हूं और पांडेश्वर बीजेपी तीसरा स्थान में रहेगा, पांडेश्वर बीजेपी तीसरा स्थान में रहेगा, ये हम बोल रहा हूं। 2 तारीख का बात आप मिला के देखिए, और हम का मतलब कौन है, हम तृणमूल कांग्रेस का राज्य सेक्रेटरी बोल रहा हूं। तुम तो पार्टी का मेंबर भी हुआ नहीं अभी बीजेपी का, और होगा कि नहीं ईडी टीक नहीं है, तुम इतना लंबा लंबा डायलॉग मर रहा हो, खाने का नहीं था, फुटपाथ में सोता था, तुमको ममता जी मेयर बनाया बोल के आज तुम करोड़ों का मालिक हुआ है, 200-300 करोड़ का मालिक बन गया तुम, लंबा डायलॉग मर रहा है। तुम जब राजनीतिक में जब मेयर बन रहा था तुम्हारा वजन था 70 केजी का, आज तुम्हारा वजन हुआ है तुम्हारा 110 केजी का, कहां से हुआ रे, कहां से हुआ, काफी के मुटा गया थे, लूट के मुटा गए थे, कॉपरेशन में बैठ के ठेकेदार लोगों से पैसा खा के मुटा गए थे, वही कुर्सी में अमिताभ सोरेन जी को बैठाया था आज 2009 में मेयर बन के, एक आदमी अंगुल उठा के नहीं देखा सकता है तापस बनर्जी किसी का साथ में कोई रिलेशन रखा। सुदर्शन दासू ने कहा कि अमित शाह भी गुजरात का एक माफिया है और जितेंद्र तिवारी भी एक माफिया, दोनों माफिया कल पांडेसर में थे। आप देखिए सुदर्शन दासू जी क्या देखिए, वो जिला प्रेसिडेंट थे तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी उनका कान पकड़ कर उनको हटा दिया, हमको बना दिया, ममता बनर्जी कान पकड़ के जिला प्रेसिडेंट से हटा दिया और हमको बना दिया, क्या अहंकार है। जिस आदमी के बारे में बोल रहा हूं वो आदमी 11 बरस ही जिला का तृणमूल कांग्रेस का प्रेसिडेंट था और 7 बरस तृणमूल युवा कांग्रेस का प्रेसिडेंट था और 7 बरस युवा कांग्रेस का प्रेसिडेंट था कांग्रेस का टाइम में, उस आदमी के बारे में वो बोल रहा हूं। उस जगह में आने के लिए वो तो 2 बरस जिला प्रेसिडेंट का चेयर कंप्लीट करने नहीं सका, 2 बरस भी जिला प्रेसिडेंट का चेयर कंप्लीट करने नहीं सका, भागने पड़ा। और आज भी ममता बनर्जी 4-5 जिला का अंदर सबसे बड़ा पार्टी का दायित्व हमको दिया है, हम राज कमेटी का संपादक है, इसका साथ में हम जिला तृणमूल कांग्रेस का कोऑर्डिनेटर है, तो ममता बनर्जी बहुत इज्जत हमको। जिंदगी भर कोशिश करते रहे कि काउंसलर बनेंगे चुनाव हार गए, जिंदगी भर कोशिश करते रहे कि विधायक बनेंगे हाथ नहीं नहीं बन पाए। मैं उनके सामने 2-2 बार काउंसलर भी बना, मेयर बना, एमएलए बना, जिला प्रेसिडेंट बना, जिस जिला प्रेसिडेंट के लिए उन्होंने अपना जान लगा दिया है वो जिला प्रेसिडेंट में छोड़ के चला गया, जिस कॉरपोरेशन में जाने के लिए वो अपना जान लगा देते हैं वो कॉरपोरेशन का मेयर कुर्सी में छोड़ के चला गया, तो ये सब गुस्सा तो उनको हो गए, ये सब गुस्सा तो उनको हो गए। उनको मैं फिर कहता हूँ कि मेरा परामर्श है उनके लिए कि वो पहले चुनाव तो पंचायत इलेक्शन जीते आए उसके बाद बात करना, उसको मालूम नहीं है संसदीय राजनीतिक में इलेक्शन जीतेगा तभी आप नेता बनता है, संसदीय राजनीतिक में इलेक्शन जीतने से नेता नहीं होता है, इलेक्शन जीतने से जनप्रतिनिधि होता है, वो कोई पंचायत का हो, म्यूनिसिपैलिटी का हो, विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, दल सबसे बड़ा है, दल रहेगा तभी दल से टिकट मिलता है और आदमी खड़ा होता है, तो दल का जो दायित्व है, जो दल का जो आपको विभिन्न जो अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सबसे मेन है। और हम अभी दल का स्टेट के सेक्रेटरी है तृणमूल कांग्रेस का, अब जिस बात वो बोला था, हम हमारा ऊपर 3-3 इलेक्शन लड़ा है, हम इलेक्शन
हार गया वो क्या बात करेगा। हम तीन इलेक्शन में दो इलेक्शन लड़ा था हम वाम फ्रंट के समय, 99 में हम कॉपरेशन में काउंसलर का इलेक्शन लड़ा था, 2001 में हम विधानसभा इलेक्शन जमुनिया जैसा विधानसभा से लड़ा था, और 2016 में तृणमूल कांग्रेस क्षमता में आने के बाद हम इलेक्शन लड़ा था जमुनिया से अबार, और 7000 समथिंग वोट में हार गया था। और 2021 अभी चल रहा हूं, हम अपना पार्टी नेतृत्व को पहले से एक महीना कैंडिडेट डिक्लेयर होने का एक महीना पहले से हम बोल चुका था हम कोई इलेक्शन नहीं लड़ेगा, हमको पार्टी का दायित्व दीजिए हम कोई इलेक्शन नहीं लड़ेगा। इसलिए पार्टी हमको दायित्व दिया, वो दायित्व को हम पालन कर रहा हूं। आज जिस आदमी ये बात जो बोला है वो आदमी भी 2006 में रानीगंज विधानसभा से इलेक्शन हार चुका है, उसको मालूम नहीं है 2006 में वो भी इलेक्शन हारा है। और 2009 असनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो मुंशीला डामरा मिला के जो म्युनिसिपलिटी का जो कॉर्पोरेशन का सीट था वो इलेक्शन भी वो जीता था, और 2015 में असनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन कालीपाड़ी से 38 नंबर वार्ड से भी जीता था। मगर आप लोगों को मालूम नहीं है वो इलेक्शन में हम खड़ा हम हमारा निर्देश में उसको जिताने के लिए सुबह से शाम तक वहां 56 वोट देके वो जीत गया है, जेन्युइन वोट में वो जीता नहीं। और ये दोनों सीट में जब काउंसलर में था डमरा से भी वो 56 वोट से जीता था, कालीपाड़ी से भी 56 वोट से जीता था, और 56 वोट से जीतने के बाद वो मेयर हुआ। उसके बाद 2016 विधानसभा इलेक्शन में वही वार्ड में तृणमूल कांग्रेस 2600 समथिंग वोट में हम लोग हारा, जिस 38 नंबर वार्ड से वो मेयर हुआ था, 56 वोट से मेयर हुआ था, वही वार्ड में विधानसभा इलेक्शन में 8 महीना बाद तापोस बनर्जी 2600 समथिंग वोट में हारा। अब 2009 का लोकसभा में 2800 समथिंग वोट से फिर हार गया वही वार्ड में, वो आदमी क्या बात करेगा। अगर वो पांडेश्वर से पहले बार एमएलए हुआ है तो एमएलए होने का कारण यही है, वो बच्चा है कुछ नहीं जानता, इसलिए हम आप लोगों को जानना नहीं चाहता हूं। माता में लाल बत्ती था पांडेश्वर का कैंडिडेट होने का पहले, जब डिक्लेयर हो रहा था कैंडिडेट तो उसका माता में लाल बत्ती था, आसनसोल का मेयर का एक टाइटल था, जब आसनसोल का मेयर का टाइटल था यही टाइटल उसको पांडेश्वर में काम में आया, पांडेश्वर विधानसभा में ये टाइटल के चलते वो पांडेश्वर में 5000 समथिंग वोट से जीता। उसके बाद 2019 का लोकसभा इलेक्शन में 6800 वोट में फिर हारने पड़ा, इतना अच्छा वो काम किया इसलिए फिर हारने पड़ा उस सीट। प्रचार में क्यों नहीं ले जा रहे जिनका चर्चाबाजी इतना कर रहे हैं, जिनका टीएमसी का कोई टीएमसी का इतना पैसा खर्चा करके इतना स्टाफ को लाने, जब ही सिद्ध दासन दासू जैसे स्टाफ यहाँ पर पड़ा हुआ है और वो स्टार को सब नेता लोग यहाँ बैठा दिया है ऑफिस में डंप करके रख दिया है, यहाँ वहां से हीरो हीरोइन ला रहा है, तो कोई हीरो हीरोइन से कम है क्या, उसी को लेकर घूमे वो। ये बात आप लोग के सामने कैसे रखा उनको समझ में नहीं आ रहा हूं, उसके अंदर इतना अहंकार है अपना जीत को लेके, हम आपका सामने चैलेंज करके बोल रहा हूं। आज उसके सामने हम एक दो आदमी को बगल में बैठते हुए देखा, वो आदमी का क्या इतिहास है आप लोग देखिए, बीजेपी का कोई आदमी बैठा था, अगर बीजेपी का कोई जिला नेता बैठता, बीजेपी का राज्य कमेटी का नेता बैठता, उसके बाद ये बात बोलता बीजेपी है उसको नहीं पूछता हूं, तृणमूल का मेरा तो छोड़िए, हमको तो ममता दी स्पेशल दायित्व दिया है आसनसोल साउथ काउंसलर सीट देखने के लिए, और हम लोग पार्टी का वफादार है, ममता दी जहां बोलता है वहीं रहने पड़ता है, ये पार्टी का सिस्टम है। अगर ममता दी बोलता 10 विधानसभा में घूरो तो 10 विधानसभा घूरने पड़ता है, ममता दी बोलता है एक विधानसभा में तुमको यहाँ रहकर इसको जिताना है, जिताने का प्रयास करना है, तो वही दायित्व अभी हम पालन कर रहा हूं। अगर उसका चलते कौन है तो बीजेपी का नेता जा रहा हूं उसका प्रचार करने के लिए, उसको कुछ मालूम है हमारा? आप
कुछ दिन पहले आपको मालूम है कि नहीं, मालूम नहीं आपको, पांडेश्वर में हमारा दूटो प्रोग्राम हमको कैंसिल करने पड़ा था, जो पांडेश्वर विधानसभा में नरेंद्र चक्रवर्ती प्रार्थी हमको दूटो प्रोग्राम दिया था, दोनों हम कैंसिल किया। वापस बना जी चारटा प्रोग्राम दिया, हम जाने नहीं सका। बगल में हरराम सिंह है, आप फोन करिए हरराम सिंह को, पूछिए कितना प्रोग्राम दासू को दिया, कितना प्रोग्राम अटेंड किया, पूछिए, हम जाने नहीं सके। दुर्गापुर अब तीन तीन बार जाके आया है, और आपको कुल्टी हम जाके बैठक करके सब कुछ मामला ठीक करके आया है। विधान उसके पास भी हम दो बार जाके आया है। इसको कुछ मालूम है कि जो बात अनसंड आपका सामने बोल रहा हूं, पागल हो गया है इसलिए ही बात बोल रहा हूं। जीत के तो देखा, तुम इतना जीत का घमंड तो बोल रहा ना, घमंड रख रहा है ना, तुम तो जीत के देखा। उसके बाद ये बात बोलना, दो तारीख का बाद हम भी है तुम भी है यही मैदान में, तुम जीत के तो देखा। अब तुम नौ सीट का टीका ले रहा है, तुम कौन हरिदास पाल है नौ सीट का टीका लेने के लिए? तुमको क्या बीजेपी कोई संगठनिक दायित्व दिया है? तुम बोल रहे नौ सीट हम जीत रहा हूं, हम पार्टी का दायित्व में बैठा है, हमारा पार्टी का, और हम हिम्मत के साथ बोल रहा हूं, दायित्व के साथ बोल रहा हूं, ये नौवा विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस जीत रहा हूं, और पांडेश्वर बीजेपी तीसरा स्थान में रहेगा, पांडेश्वर बीजेपी तीसरा स्थान में रहेगा, ये हम बोल रहा हूं। दो तारीख का बात हम मिला के देखिए, और हम का मतलब कौन है? हम तृणमूल कांग्रेस का राज्य सेक्रेटरी बोल रहा हूं, तुम तो पार्टी का मेंबर भी हुआ नहीं अभी बीजेपी का, और होगा कि नहीं ये भी ठीक नहीं है। तुम इतना लंबा लंबा डायलॉग मार रहा हो, खाने का नहीं था, फुटपाथ में सोता था, तुमको ममता जी मेयर बनाया बोल के आज तुम करोड़ों का मालिक हुआ है, 200-300 करोड़ का मालिक बन गया तुम, लंबा डायलॉग मार रहा है। तुम जब राजनीति में जब मेयर बन रहा था तुम्हारा वजन था 70 kg का, आज तुम्हारा वजन हुआ है तुम्हारा 110 kg का, कहां से हुआ रे, कहां से हुआ? खा पी के मोटा किया थे, लूट के मोटा किए थे, कॉपरेशन में बैठ के ठेकेदार लोगों से पैसा खा के मोटा किए थे, वही कुर्सी में तापस वर्मा जी को बैठाया था आज 2009 में मेयर बन के। एक आदमी अंगुल उठा के नहीं देखा सकता है तापस वर्मा जी किसी का साथ में कोई रिलेशन रखा है ना, किसी से एक पैसा खाया, और तुम ही कॉपरेशन का मेयर का चेयर में बैठ के तुम लूटा है। तुमको 100 सबूत हम चाहिए तो देगा, कल तुम बैठ इसका काउंटर करने के लिए, तुम्हारा हिम्मत है, एक बाप का तुम लड़का है तो तुम बैठ के इसको काउंटर कर, कल हम 2 घंटे के अंदर तेरा काउंटर के बाद हम 2 घंटे के अंदर तेरा काउंटर करके देखा देगा हम तुम कितना लूटा है। कॉपरेशन ने कौन कौन ठेकेदार से पैसा लिया है? सर बहुत लंबा बात कर रहा हूं, बच्चा रे तुम बच्चा है, तुम्हारा ये हंगार हुआ था ये 5 साल में कमाया ना थे, इसका हंगार है तुम्हारा। तुम्हारा बगल में घूरने वाला में एक आदमी बगल में बैठा था, वो कौन है? दमरा का रहने वाला, उसको कितना ठेकेदारी, कितना टेंडर तुम कॉपरेशन से दिया, फ्लोरॉन का टेंडर तुम कॉपरेशन से उसको दिया, तो तुम्हारा जो बगल में बैठा था उसमें तुम पार्टनर नहीं था। मेरा बगल में तो शौचालय बन रहा है पश्चिम बाजार मूड में, इसका तुम पार्टनर नहीं है, बोलो ना, नहीं है बोल, कहां कहां से तुम कॉपरेशन में बैठ के पैसा खाया बता दे। पानी का एक तो डेवलपमेंट का काम आया था, कितना पैसा तुम लूटा है उसमें बैठ के? हमारा टीएमसी का तुम बदनाम कर दिया, तुम टीएमसी में बैठ के, तुमको टीएमसी धक्का मार के निकाला था, तुमको टिकट नहीं मिलेगा टीएमसी से, तुम मालूम हो गया तब तुम भागा बीजेपी में, और तुम आज लंबा लंबा डायलॉग मार रहा है रे। 2 तारीख पार होने दे, तुम्हारा अहंकार कहां चले जा रहे दे, यही बीजेपी वाले लोग तुमको हरा देगा, यही पांडेश्वर का बीजेपी तुमको हरा देगा, यही जिला का बीजेपी तुमको गुरुत्व नहीं देगा। तुम इतना अत्याचार किया है घमंड में, कमदा में बैठ के कमदा का मिस यूज किया है, तुम चले गया बोलते तृणमूल कांग्रेस बच गया, और तुम जो बोलता है ना 9 सीट में 9 सीट जीत रहा है, तुमको असल 9 सीट के बारे में क्या जानकारी है? 2 बरस तृणमूल कांग्रेस का जिला प्रेसिडेंट बना, कभी तो ब्लॉक का प्रेसिडेंट नहीं था, तुमको जिला प्रेसिडेंट बनाया पार्टी, पार्टी गलती किया था तुम्हारा जैसा आदमी के ऊपर भरोसा रखे, कभी तुम्हें तो ब्लॉक का सेक्रेटरी नहीं था, तुमको जिला प्रेसिडेंट बना दिया,
पार्टी का क्या एबीसीडी तुम जानता रे? और हम लोग यही पार्टी में छोटा से बड़ा हुआ है, सीपीएम से लड़ के आया, बामफ्रंट का समय मैदान में खड़ा हुआ, तुमको कोच के नहीं मिलता था बामफ्रंट का समय, तुम कहां सुता था वो भी मालूम नहीं देता था, एक झोपड़ी में रहता था बामफ्रंट का समय, और हम लोग बामफ्रंट से लड़के, चौधरी साल का बामफ्रंट का शासन से लड़के, पुलिस प्रशासन से लड़के अपना परिचय बनाया है, और तुम माता में लाल बत्ती मिलने के बाद तुम अपना परिचय बनाया है, उसका पहले तुमको कुत्ता नहीं पूछता था, और तुम लंबा लंबा डायलॉग मारता, इतना साहस कहां से आया तुमको? अपना परिचय से तुम खड़ा हो मेरा जैसा, हम बिना माता में लाल बत्ती का, बिना कमदा का दासू बनाया आसनसोल का अंदर, लड़के बनाया आसनसोल का अंदर, जेल जाके बनाया आसनसोल का अंदर, चौधरी स्टोक केस बामफ्रंट के साथ लड़के दासू बनाया, तुम मेयर हो गया, एमएलए हो गया, पार्टी का प्रेसिडेंट हुआ बोल के तुमको, तुमको 10 आदमी चिंता है, ये 5 बरस के अंदर तुम जोगी था 5 बरस का, भीतर चले गया तू, और जिंदगी में तुम नहीं उठेगा रे, जिंदगी में नहीं उठेगा, इसलिए तुम्हारा अंदर अहंकार आ गया, तुम हम लोग का बारी में जो बोला ना, तेरा अंदर अहंकार आ गया, हम नहीं बोलने चाहता हूं, अभी तुम काउंटर करेगा हमारा बात पर, और आसनसोल के आदमी जानता है तुमको झोपड़ी से उठा के लेके आके ये जगह बैठाया था, अभी तुम बोलेगा हम अपना कमदा से ही जज चेयर में आया, इसी का ताकत है, तुमको ममता दी चिंता था 2015 में, ममता दी तरफ मुंह नहीं देखा था जिस समय मेयर का सिलेक्शन हो रहा था कलकत्ता में, उस सीतू कानू स्टेडियम में, उस सिलेक्शन होने का टाइम में हमको बोला था रूपी शाह दासू कौन है, तुम जो नाम दिया है मेयर का वो आदमी कौन है तो दिखाओ, हम बोला था ठीक है हम उसके पास जा रहा हूं, उसको बोलेगा उठ के खड़ा हो आप लोग देखिए, हम तेरा बगल में आके बोला था देख स्टेज से तुमको देखने छता है वो, तुम्हें तो उठ के खड़ा होना, अब उठ के खड़ा हुआ तब देखा, अरे तुम लंबा लंबा डायलॉग मारा रे है, अरे बबुआ तुम इतना बड़ा आदमी नहीं बना रहे बबुआ, तुम बच्चा है, तुम बच्चा है, काउंटर करने का हिम्मत है तो कल काउंटर कर, 2 घंटे का अंदर तेरा गुस्ती हम उतार के देखा देगा तुमको, रफ बात हमको बोलने पड़ता है, हम रफ बात उतना बोलने वाला नहीं है, तुम ऐसा व्यवहार किया इसलिए हमको ये व्यवहार करने पड़ रहा, हिम्मत है तो कल तुम काउंटर कर, हम बीजेपी को नहीं बोल रहा हूं तुमको बोल रहा हूं, तुमको बोल रहा हूं इसलिए तुम्हारा अहंकार आ गया है, तुम्हारा यह अहंकार को सर्वनाश करके हम दिखा देगा तुमको, आपको 2 तारीख पार होने दे, तुम्हारा अहंकार को हम दिखा देगा, और आसनसोल के आदमी तुमको देगा, बस यही बोल दे।